मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। ओके, क्रिएटिव सॉरी अनलॉक द साइंस चैनल में मैं हूं विवेक शर्मा। पहले भी बता चुके हैं कि क्रिएटिव साइंस जो है अब वो अनलॉक द साइंस के नाम से हो गया है, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर में हम फिजिक्स के बारे में और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट पढ़ रहे थे। उसमें जो लास्ट हमने डिस्कस किया था वो था अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया था वहाँ तक? हमने देखा था ओरेस्टिड ने उसको बताया था। हाँ, एक छोटी सी बात कि वो जो डेट थी आपकी 1771 नहीं है, वो कितना है 1777। तो आप उस वन की जगह 7 कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कनेक्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कनेक्ट। अब हम देखते हैं, एक कंडक्टर होगा अपने पास, उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा जब आपका करंट मोशन में होगा या मूवमेंट करेगा। तो एक सर्किट डिजाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे स्विच लगा दिया आपने कि ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने सप्लाई जोड़ दी है, ठीक है। प्लस माइनस, यहाँ से आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट जैसे ही आपका यहाँ से फ्लो करेगा, ये इस तरफ आएगा, कुंजी ऑन है, स्विच ऑन है, और ये यहाँ से यहाँ तक, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये अपना क्या था, कॉपर वायर कंडक्टर है, ठीक है। एक कंडक्टर है जो कॉपर वायर से बना है, और हम क्या कर रहे हैं, एक करंट फ्लो कर रहे हैं। अब इसके पास में, ठीक है, इस कॉपर वायर के पास में, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ये तो है कॉपर वायर, और इसके ठीक पास में यहाँ पर ये एक क्या रख दिया हमने, वही कंपास रख दिया, और ये अपने क्या है, नीडल है यहाँ पे। तो अब एक बात देखिए, मैंने कहा जब आप ये रखते हैं तो यहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इस कॉपर वायर के एक्रोस या अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारी जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट किस तरफ करेगी, तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि जिधर कौन सा टर्मिनल हो, नेगेटिव टर्मिनल हो, उस तरफ आपकी कंपास नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अगर एक सर्किट और बनाया जाए, ठीक है, एक सर्किट और बनाया जाता ऐसे, आप उल्टा कर देते हैं, क्या इधर नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज कर दी, और डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये वही फिर क्या है आपकी, यहां से यहां तक क्या है, वही कॉपर वायर है, और कॉपर वायर है तो इसके चारों तरफ कोई ना कोई क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। और जैसे ही इसके पास ठीक वैसे ये
यहाँ पर हमने वही क्या रख दी, कंपास नेडल, लेकिन अब इस तरफ नेगेटिव है तो आपकी जो ये नेडल होगी ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, तो ये आपकी क्या हो गई, डिफ्लेक्शन। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम ये कहेंगे करंट अगर क्या करता है, आप कहेंगे सर करंट जो है फ्लो इन क्लॉकवाइज, इट मींस, इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम कहाँ से कहाँ हो जाती, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ टू साउथ, क्लॉकवाइज का ये मतलब है, अदरवाइज क्या कर देंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो करंट की वजह से जनरेट हुआ है अलोन एक कंडक्टर, तो यही है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल है इधर नेगेटिव, तो जो नेडल है वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, और अगर अपोजिट कर देते तो ये इस तरफ हो जाती नेगेटिव की तरफ, और ये यहाँ पे क्या निकलता है, अपना कंक्लूजन निकलता है। ये बात ओरेस्टेड बता चुका था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, बहुत अच्छा है, देखिएगा नोट कर लीजिए, इसमें प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा है, देखिए ये आपका राइट हैंड है ऐसे, है ना, और ये थंब हो गया, ये आपके फिंगर, ऐसे हमने फोल्ड कर लिया इनको ऐसे ही, तो ये तो क्या है थंब, और ये क्या है फोल्डेड फिंगर। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप एक कोशिश करते हैं हाथ बनाने की, जैसे ये राइट हैंड है ना, ये ठीक, ये तो दिस इज योर थंब, ठीक है, क्लियर हुई बात। ये सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आप कहेंगे सर फिंगर। तो एक बात देखिए, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम ऐसे किसी चीज को पकड़ते हैं तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना अपवर्ड, ये तो किसको शो करेगा, आप कहेंगे सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये जब लाइनें ऐसे फोल्ड हो जाएंगी उंगलियां फिंगर, तो ये किसको शो करेगी, आप कहेंगे सर ये शो करेंगी हमारे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर बात। तो थंब हमेशा किसको शो करता है, आप कहेंगे सर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और यहां पे ये फिंगर किसको शो करेगी, आप कहेंगे सर डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थंब पर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसको तो किससे शो कर दे, आई से, क्योंकि आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिक फील्ड है तो फिंगर किसको शो करेंगे, आप कहेंगे सर बी को। तो ये तो अब ये पता लग गया कि अगर ये ऐसे हुआ ऐसे, तो ये जो एरिया होगा आपका ये, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को शो करेगा, और ये जो होगा वो उठा वर्टिकली, ये किसको शो करेगा, आप कहेंगे सर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये तो वर्टिकली हो गया, और ये आपकी जो है इस तरह हो जाएगी, फोल्डेड हो जाएगी ना आपकी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब इसी का एग्जांपल लेके हम एक दो चीजें डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर यूज हुआ। देखिए हटाए, ठीक, आप पढ़ रहे हैं करंट, मैग्नेटिक फील्ड, बी ड्यू टू किसमें भाई, आप पढ़ेंगे सर स्ट्रेट कनेक्ट। देखिए एक डायग्राम बनाइए, यहां पर एक एमीटर है, यहां पर एक क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको आप रियोस्टेट कह सकते हैं, रियोस्टेट। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो यहां से आपका क्या फ्लो हुआ, आई करंट, एक कॉपर वायर, लेकिन अब ये स्टेट है तो मैं यहां पे स्टेट कंडक्टर का कॉइल एक रेक्टेंगुलर ऐसे, ये हमारा एक डायग्राम है जो इस बात को बताएगा कि राइट हैंड थंब रूल को यहाँ पे हम इंप्लाई करेंगे कैसे। समझिएगा, अगर मैं ये कहता कि यह अंगूठा हो गया, आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, ओके, ये भी एक स्टेट कंडक्टर ही है, स्टेट कंडक्टर।
तो अभी हमने राइट हैंड रूल में क्या पढ़ा था कि जो अपना क्या होगा थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे ये थंब है, ये रहा देखो, ये आपका क्या है थंब है, और ये थंब क्या शो कर रहा है, आप कहेंगे सर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो यहाँ पे ये वर्टिकली ये क्या है भाई आई, ठीक है, और किस तरफ है ये आप, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है ऐसे, तो ये हो गया ऐसे समझिए ये, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरफ, तो यहाँ पर ये जो फिंगर शो कर रही है ये तो शो कर रही है किसको बी मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो थंब है आपका ये थंब क्या शो कर रहा है आई करंट को शो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका कोई स्टेट कंडक्टर है वो वर्टिकली हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो जो वर्टिकली पकड़ा हुआ है तब तो डायरेक्शन करंट की ऊपर की ओर होगी है ना, और आपका ये हो जाएगा ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जब मैं ये कह रहा हूँ कि वर्टिकली अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्लियर विवाह, इसका मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, फ्लो ऑफ करंट वर्टिकली ऊपर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्लॉकवाइज है। अब उल्टा बोलो क्या अगर ये ऊपर की बजाय क्या हो जाता डाउन, आपकी बजाय क्या हो जाता डाउन, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती, ऐसे कर लो ये तो जो चीज पहले यू थी अब वो ऐसे हो गई, तो ये डाउनवर्ड, तो नीचे क्या शो होगा फ्लो ऑफ करंट, इधर क्या शो होगा ये, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अब उल्टा साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, और जब साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पर हमने किसको निकाला है राइट हैंड थंब रूल को निकाला है, क्लियर हुई बात, तो दिस इज ए स्टेट कंडक्टर, ए करंट इज फ्लोइंग वर्टिकली अप and the folded finger show the direction of the magnetic field and thumb show is the flow of electric current। इसका मतलब ये clockwise है और इसको उल्टा कर देते तो क्या हो जाता anti-clockwise हो जाता, clear भी बात। अभी हमने इससे पहले क्या लिखा है right hand thumb rule, अब उसको देखिए ये right hand ऐसे right hand, और हम किसी चीज को यूं मतलब कोई स्क्रू कसते हैं ऐसे स्क्रू है ना स्क्रू कसेंगे, तो एक बात देखो यू घुमा रहे हो ऐसे ये वर्टिकल, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर ही देख लीजिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इज नोन एज, और उसी को क्या बोलेंगे एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम था मैक्सवेल, और मैक्सवेल और उसको बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल, ये आप हमेशा ध्यान, राइट हैंड थंब रूल को ही हम क्या कहते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी हम जानते हैं, क्लियर हो गई बात। एक और चीज देखिए हटा दें इसको, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आप क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर सर्कुलर हो, सर्कुलर लूप बनाओ सर्कल,
यहां से ये, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बस एक और ही नहीं, एक और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखते हैं कि जैसे आपका स्विच ऑन होगा यहां से आई फ्लो करेगा, आई फ्लो करेगा तो यहां पे देखो ये ऐसे एक और बना कनेक्ट, ये हम जो शो कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ही मेजर कर रहे हैं। तो मैंने कहा पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो यहां से आपका करंट आ गया आई, आई करंट आ गया तो इसमें क्या जाएगा, आई तो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो बाहर से तो ऐसे बनेगा लेकिन अंदर से क्या हो जाएगा इसका, ठीक अपोजिट, क्लियर हुई बात। इधर की तरफ आओ, यहां पे भी क्या आ रहा है आपका आई, यहां पे फिर एक वो बनाओ लूप, एक और लूप बना लो, देखो करंट आया आपका, ठीक है, अब यहां पे तो हो गया ऐसे, अब इसका ठीक अपोजिट कर दो, क्या अगर बाहर अंदर की तरफ ये है तो अंदर की तरफ तो क्या कर दो उल्टा, ये ऊपर की तरफ कर दो, यहां पे नीचे की तरफ, और बाहर की तरफ क्या कर दो, क्लियर हो गई बात, चलो उल्टा कर दिया हमने। ये तो ये इधर ये ऐसे, और फिर आपका ये करंट आ जाए, ये हम क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो जिस तरह से हमने क्या निकाला एक स्ट्रेट कंडक्टर में निकाला, उसी तरह से हम किस में भी मेजर करते हैं इन्हें सर्कुलर, बिल्कुल सेम वो ही थंब, राइट थंब रूल वाला नियम लगा दो, क्या भाई ये करंट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपका क्या है इधर, ये देखो इधर ये मुड़ रहा है भाई, ऐसे है नहीं? ये ऐसे है आपका, तो ये तो ऊपर की तरफ ये करंट शो कर रहा है, और ये आपकी जो फोल्डेड फिंगर है ये किसको शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, क्लियर हो गई इतनी सी बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर्कुलर रूल। तो हम कहेंगे सर ओ भी ओबे राइट हैंड थंब रूल, वी कैलकुलेट, क्या कर सकते हैं हम बी दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई, इसको ये आपका था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर। एक तो हमने एक स्टेट कंडक्टर में पढ़ा, एक हमने किसको पढ़ा सर्कुलर लूप में पढ़ा, आगे एक और डिस्कस कर लेते हैं और वो अच्छा टॉपिक है सोलेनोइड, ठीक है। डायरेक्शन ध्यान रखना, इन सभी टॉपिक में डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन की क्यों याद रखनी है, अपने जो कॉन्सेप्ट है और स्किल का, उसके अलावा कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं। एक आता है सोलेनोइड, इसको एक बार ड्रा कर लेते हैं होता क्या है सोलेनोइड। एक कॉइल है, बस
एक सर्कुलर बना दीजिए। अब देखते हैं वायर लपेटी इस पर, ये लपेट दिया। यहां पर एक मैग्नेट रख दीजिए, ये लो, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं। एक ये यहां पे हमारा है नॉर्थ पोल, यहां पे हमारा है साउथ पोल, वही ऐसे की तरह, ऐसे की तरह। लाइन है कहां से इमिटेट हुई थी, नॉर्थ से, ये इनमें मिला दीजिए, ऐसे ही यहां से इनिशिएट हुई, ये सॉरी इसमें उल्टा आ गया, ये आपकी चल के इसमें आ गई, फिर ऐसे ही ये नॉर्थ ऐसे चल रही, ये लो, और ये आपकी साउथ जो है वो इसमें जाके टर्मिनेट हो रही है, ये लो। ठीक है, तो हम कहेंगे सोलेनोइड क्या होता है, एक आपके सर्कुलर कोइल है और उसमें नंबर ऑफ वायर्स या ट्रंस जो है उसको बिल्कुल एक दूसरे से चिपका के डेंस किया गया है। ठीक है, तो अगर आपकी ये डायरेक्शन इस तरफ है तो आप कहेंगे नॉर्थ की जो डायरेक्शन थी ये भी इसी तरफ है, एक और लेते लाइंस, है ना, ये ऊपर से ये नीचे से, नॉर्थ से इनिशिएट होगी और साउथ पर जाके खत्म होगी। तो ये फिगर किसका होगा, सोलेनोइड का होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आप कहेंगे सर ए सर्कुलर कॉइल इन विच नंबर ऑफ वायर ऑफ पोपर आर टर्न ओवर इट, ठीक है भाई, उसके ऊपर से हमने एक तार को लपेट दिया। दूसरी बात करें, आप कहेंगे सर ए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सिंबल इसका भी है। आप कहेंगे सर इज यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस, यूनिफॉर्म प्रोड्यूस, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आपका मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के बीच में गैप था वो इक्वली है, इट मींस बोथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया है वो दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक तो क्या करेगा, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, जितने ज्यादा आप वायर के टर्न्स लगाओगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा क्या है, आप कहेंगे सर इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये बात पहले ही ओरेस्टेड बता चुका था, या हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है उसी में से है कि जब आपका एक वायर
दूसरी वायर से बिल्कुल अटैच करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि ये मीडियम आपका डेंस होता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा डेंस होगा उसमें इंटेंसिटी ऑफ करंट क्या होगी, मैक्सिमम। अगर इंटेंसिटी ऑफ करंट मैक्सिमम होगी तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट कर रहे हैं वो भी ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इफेक्ट तैयार होगा वो भी आपका ज़्यादा होगा। तो सोलेनोइड क्या है, एक सर्कुलर कोयल है, और उस सर्कुलर कोयल के ऊपर हमने क्या किए हैं, वायर्स को टर्न किया है, ज़्यादा से ज़्यादा वायर को हमने लपेटा है। जब हम उसको हमने करंट, एक हमने बैटरी जोड़ी थी, उस बैटरी से जब करंट आपका फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट होगा, बिकॉज करंट जो है वो मोशन में है, और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर कैसा जनरेट होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए यूनिफॉर्म होगा। और किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड्स करता है किस पर, आप कहेंगे सर फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो वायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लपेट दो, घटाना है तो इसकी संख्या क्या कर दो, कम कर दो, और जितनी इसकी संख्या कम या ज़्यादा होगी वैसे ही आपकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी कम ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड या तो वीक हो जाएगा या पहले के कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये हमारा टॉपिक था सोलेनोइड। अगले वीडियो में हम एक तो फ्लेमिंग की बात करेंगे, उसके दो रूल थे, एक तो राइट हैंड थंब रूल, एक आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर है। डोमेस्टिक में आपके फ्यूज, ओवरलोडिंग, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, है ना, बेस्ट ऑफ लक।